अब हमें शहरों की बजाय यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ही कथा करनी चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य वहीं है। ये सच्ची बात है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अभिनन छेड़ दिया हमको। सच यह है कि मन तो जो जिसको हम कह रहे हैं एक के साथ भी खुश नहीं है, तो क्या चार के साथ खुश होगा? नहीं जी, 15 तो ऑलरेडी टेलीफोन कनेक्शन है हमारे पास है। भाई लोग बहुत अच्छे से समझ रहे, बच्चे लोग है ना, पक्का घर में बहन है, किए हुए हो, कनेक्शन में हो, वो भी किसी की बहन है। और भगवान का ये नियम है, जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आगे जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारी बच्चियां भी होंगी। तो आज जो 15 के कनेक्शन में है, 5 के कनेक्शन में है, 4 के कनेक्शन में है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटी आने वाली है। उसको प्रेम करने वाला अगर, तो उसका पति अगर 4-5 के कनेक्शन में रहा तो सोचो तुम पर क्या बीतेगी। अब करो हा, अब करो हू, नहीं कर पाओगे। क्यों? अब बेटी और बहन का नाम आ गया। जब तक ये संभावना, जब तक ये जो संवेदना है ये नहीं होगी कि जो दर्द मेरी बहन को हो रहा है वही दर्द सामने वाली को होगा जिससे मैं बातें करता हूं, या जितना मेरी बहन बेटी के एक कृत्य करने के बाद मेरा मान सम्मान हट होगा, वैसा ही सामने वाले के माँ बाप का, भाई का भी सम्मान हट होगा। जब तक ये भावना तुम्हारे अंदर नहीं जगेगी तब तक तुम्हारा शैतान नहीं मरेगा। तब तक तुम शैतान बने थे, बने हो, बने रहोगे। तुम इस शैतान बनने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर प्रेम भी है ना, प्रेम नहीं है, वासना है। ये 15 वाली वासना है, 5 वाली वासना है। प्रेम तो एक के साथ होता है, और एक के साथ भी प्रेम ऐसा नहीं होता कि उसके हाथ में हाथ डाल के तुम मूवी देखने जाओ। प्रेम भी इसको कहते हैं, तुम जहां रहो वहां खुश रहो। आई डोंट वॉन्ट टू एनीथिंग फ्रॉम योर, आई डोंट वॉन्ट टू एनीथिंग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसको प्रेम कहते हैं। और जो आपकी एज है ये 10-5 से प्रेम करने की नहीं, बुक्स से प्रेम करने की एज है, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने की एज है, अपने मां बाप के सपने को पूरा करने की एज है। अच्छा चलो बच्चे बताएंगे, एम आई राइट या रॉन्ग? बोलो बच्चे, पीछे जो हाउ कर रहे थे बोलो बेटा, एम आई राइट या रॉन्ग? जब भी किसी को दुख दो ना, एक बार ये सोचो कि यही अगर मेरे साथ हो या मेरे परिवार के साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा। मैं दावे से कह सकता हूं पाप करने से बच जाओगे सिर्फ इतना सोचने से, सिर्फ इतना सोचने से। ये सोचो कि ये जो पाप मैं कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं किसी के साथ, किसी की बच्ची के साथ, किसी की बहन के साथ, अगर मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो जो मुझे दर्द होगा तो मुझे भी किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटर्न गिफ्ट है माय डियर। जो आज मैं दे रहा हूं, घड़ी देखिए, क्लॉक, उसमें सुइयां घूमती रहती हैं, 12 पे जाने के बाद 6 और 6 पे जाने के बाद फिर 12, हाँ या ना? इसी को समय कहते हैं। आज तुम किसी को जो दे रहे हो कल वही वापस तुम्हें मिलेगा, सुख हो अथवा दुख हो। तो ये जो मन है ना, ये ना तो एक के साथ खुश है ना 10 के साथ, ये मन ही तो है। मन तो सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और बुद्धि को कहो कि हे तू सोच, तू समझ, तेरे लिए और समाज के लिए अच्छा क्या है वो कर डाल दे।